कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब क्या प्रॉब्लम है, हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। अगर कैपेसिटर एक डिवाइस है तो वो डिवाइस बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होंगे। वैसे तो है नहीं कि हमने गाड़ी की फैक्ट्री लगानी है, गाड़ी तैयार करनी है, उठा लाओ यार लोहा, लगा दो लोहा, ऐसा थोड़ी ना। रिसर्च होती है कि कितनी गाड़ी पे कितना क्या मटेरियल लगेगा ताकि वो लाइट भी रहे और एफिशिएंसी भी आए और एक्सीडेंट के टाइम पे ज़्यादा ख़राब भी ना हो। तो हर चीज़ की रिसर्च है। कोई भी चीज़ बनी है उसका मटीरियल है, ये पैनल बना है इसका मटीरियल है, प्लास्टिक है इसका मटीरियल है। तो पहले रिसर्च होती है कि कौन सा मटीरियल किसके लिए बेस्ट है। तो कैपेसिटर के लिए भी कुछ मटीरियल है जो कि मैं समझता हूँ कि बेस्ट है। तो कैपेसिटर को सीखने के लिए या कैपेसिटर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से काम करना है। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो अपने को ऐसा मटीरियल लेना है जो एटलीस्ट चार्ज को स्टोर कर सके। हम लकड़ का बना हुआ कैपेसिटर ले नहीं सकते, लकड़ चार्ज स्टोर ही नहीं करती, तो लकड़ी का कैपेसिटर कौन देगा आपको? कोई भी नहीं देगा। कंडक्टर या इंसुलेटर क्या लगेगा, इसके लिए प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो ये कहाँ से स्टार्ट है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, क्योंकि चार्ज की गेम है। तो वो कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर आपका कोई मटीरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है और वो कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटीरियल कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। कंडक्टर वो मटीरियल है जो कि फिजिकल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलाउ करता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल है, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मूव कर सकते हैं, ये कंडक्टर है। इंसुलेटर, प्योर इंसुलेटर के अंदर चार्ज ना तो उसके ऊपर रुक सकता है, ना उसके अंदर जा सकता है, ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। लकड़ का पीस के ऊपर चार्ज नहीं आ सकता, उसके अंदर चार्ज नहीं स्टोर हो सकता, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, प्योर इंसुलेटर है। कुछ खास किस्म के इंसुलेटर हैं जैसे माइका शीट, कुछ खास किस्म के इंसुलेटर हैं माइका से बने हुए जो कि प्योर इंसुलेटर नहीं है। इनके अंदर वॉल्यूम वाइज चार्ज आ सकता है लेकिन चार्ज मूव नहीं कर सकता इनमें, मतलब चार्ज तो आ गया। जैसे अगर कंडक्टर है, कंडक्टर तो रिपेल करके चार्ज बाहर चला जाएगा, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं आ सकता। बट माइका जैसे कुछ मटेरियल जो कि जिनको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक्स कुछ खास किस्म के इंसुलेटर हैं, कंडक्टर नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कुछ खास किस्म के इंसुलेटर हैं जिनके अंदर चार्ज स्टे कर सकता है, रुकेगा लेकिन मूव नहीं कर सकता। तो तीसरा टाइप का मटेरियल या ऐसे बोलो कि इंसुलेटर की स्पेशल कैटेगरी क्या है, डाइलेक्ट्रिक। पर ये कंडक्टर नहीं है क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये वॉल्यूम वाइज चार्ज को स्टोर कर सकता है। क्लियर है? तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए नॉन कंडक्टर जिसमें चार्ज वॉल्यूम वाइज था, वो डाइलेक्ट्रिक मटीरियल थे सारे के सारे। ठीक है यहाँ तक? तो ये इनकी क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट जो है वो है फ्री एंड बाउंड चार्जेस।